हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस वाले चैनल को। स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इस लेक्चर का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था जो कि बहुत आसान और बहुत ही पॉपुलर है एग्जाम में, बिहू इज द फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? बिहू फेस्टिवल आप सभी को पता है आसाम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। बिहू डिनोट ए सेट ऑफ थ्री डिफरेंट कल्चर फेस्टिवल आसाम एंड सेलिब्रेटेड बाय द असामिया के जो लोग हैं या जो आसाम के आसपास के जैसे आपके जो कल्चर की या यूं के ट्राइबल एरिया है वो लोग जो है इसको सेलिब्रेट किया करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में तो कई बार आया ही है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की जो सीएम है अभी प्रेजेंट में, उनका नाम आपको हिमांता बिस्वा शर्मा याद रखना है। असम की गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है, जो नागालैंड के भी गवर्नर है, ऐसा आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है। एक या एक से ज़्यादा राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं कोई व्यक्ति। इसके अलावा असम के अंदर एक लीलाबारी एयरपोर्ट है जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुला है वहाँ पर, वो भी याद रखना आप लोग। आज का पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ ले रहे होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने वाला है 10,000 एकड़ के अंदर। ये बनेगा गुरुग्राम और नू, एक्चुअली अरावली पहाड़ी के एरिया में बनेगा। तो आप लोगों को शायद याद हो, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था भारत की पहली OECM साइट जो है ना वो कहाँ पर खुली है, गुरुग्राम का अरावली वाला एरिया। और अब ये नू और गुरुग्राम का जो इलाका है, हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें फरीदाबाद के भी कुछ गांव आए, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा तो इन्हीं का दोनों का ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है ना वो आपका ए और बी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हो सकता है फरीदाबाद भी ऑप्शन में होता तो तीनों ही आंसर ठीक हो जाते, लेकिन मेनली अभी तक घोषणाओं के अनुसार गुरुग्राम और नू है, याद रखना आप लोग। तो वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क जो है ना वो दुबई के अंदर है, मतलब या यूं कहिएगा यूएई के अंदर है, शारजहां में। फरवरी 2022 के अंदर खोला गया था और ये पार्क जो ना लगभग करीब 2000 एकड़ का है। लेकिन यूं समझिएगा कि जो ये अब बनने वाला है हमारे हरियाणा के अंदर गुरुग्राम और नू का, वो तो इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। सर बाकी तो बात ठीक है, लेकिन हमारे चाचा कहाँ घूम रहे हैं? ये शेरवेर देख रहे हैं क्या? हाँ, ये गए हुए हैं दुबई घूमने के लिए। अरे सर जी क्या बात करते हो, मतलब हमारे को पेपर की चिंता हो रही है कि CET का एग्ज़ाम कब होगा, हमारे पास कोई जॉब कब आएगी, ये दुबई में सैर सपाटे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं काका साहब, कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, करने दो यार, क्या बात हुई। तो अरावली पर्वत की इस परियोजना में एक बहुत बड़ा जो है ना हर्पेटियम एवीरी बर्ड पार्क, बिग कैटस के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा एरिया, साथ ही विदेशी पशु पक्षियों के लिए भी एक एरिया, एक अंडर वाटर वर्ल्ड, एक नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन, बायोमास, ये सब चीज़ें जो है ना, डेजर्ट्स वगैरह जो है ना, सब चीज़ें इसमें शामिल की जाएगी। वैसे बता देता हूँ, एक सर्वे के अकॉर्डिंग अरावली जो माउंटेन रेंज है ना उसमें लगभग 180 प्रजाति है, जिसमें मैमल्स है यानी कि स्तनधारी है, और 15 जो प्रजाति है ना वो इनकी है, रेप्टाइल्स की है, ज़मीन पे रेंगने वालों की लगभग 29 प्रजाति है, तितलियों की प्रजाति लगभग 57 मौजूद है। इनको और भी बढ़ा दिया जाएगा इन फ्यूचर के लिए। तो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से गुरुग्राम और नूह जो है ना उस क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। 10,000 एकड़ में सफारी पार्क बनेगा, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिल ही जाएगा, ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी का लाभ भी मिलेगा ताकि वो अपने घर के अंदर ही जो है ना वो टूरिस्ट को ठहराने के लिए कुछ ऐसे डेकोरेशन या रूम्स जो है ना तैयार कर सकेंगे। ये न्यूज़पेपर के अंदर की कटिंग भी आप देख सकते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ जो है ना शारजहां के नेशनल पार्क गए थे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, वहां पे घूम ही रहे हैं। भारत के वाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने जो है ना इनका स्वागत किया है, तो वो पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा सरकार ने किस यूनिवर्सिटी के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक MOU पे साइन किया है।
तो कोल्ड चेन के लिए हरियाणा में बर्मिंगम यूनिवर्सिटी के साथ में जो है ना वो समझौता हुआ है अभी रिसेंटली। यह केंद्र फसल कटाई के उपरांत होने वाला जो नुकसान होता है उसको कम कर देगा। तो यूँ समझिएगा जैसे आप लोग जब स्टोर करते हो ना, तो थोड़े टाइम तक उनको जैसे एक ही जगह रख देते हैं तो ताज़ी कच्ची फसल होती है, इकट्ठी रहने से सड़न हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है। तो इससे बहुत जल्दी से जो है ना यूँ कहिएगा फसल ख़राब नहीं होगी, उसके रूप में ये काम करेगा। तो ये रिसेंटली जो है ना एक MOU साइन किया गया है, याद रखना हरियाणा ने MOU साइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम के साथ में। और इसके अंदर हरियाणा की तरफ से जो है ना वो हरियाणा गवर्नमेंट की ACS है जिनका नाम है सुमिता मिश्रा, और के साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है जयदीप दलाल, जो आप लोगों को याद रखना है। बर्मिंगम यूनिवर्सिटी जो है ना ये साल 1900 के अंदर स्थापित हुई थी। बर्मिंगम वैसे भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि इंग्लैंड का शहर है, जहाँ पे रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे, 22वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे यहाँ पे। हरियाणा के किस टीले से हाल ही में मुगलिया सल्तनत की तलवार का अगला हिस्सा और गुप्त काल के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्णकोट से, ठीक है ना, कर्णकोट से मिले हैं अभी रिसेंटली। कर्णकोट टीले से तलवार का अगला हिस्सा ये वाला मिला है, ठीक है ना, और हाथी के दांत की चूड़ियों का जो है ना वो भी अवशेष मिला है। इसकी जानकारी हरियाणा में रवि शर्मा ने दी है, और ये कौन है, डिप्टी डायरेक्टर है पुरातत्व विभाग हरियाणा के, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हरियाणा में है उसकी डिप्टी डायरेक्टर है। सर ये कर्णकोट टीला है कहाँ पे? ये तो फतेहबाद के गांव भट्टू बुआन के अंदर पड़ता है कर्णकोट टीला, यहाँ से चीज़ें मिली है। और सेफ्टी इंजीनियर और रिसर्चर हैं जिनका नाम अजय कुमार है, उन्होंने जो है ना इसकी खोज की है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर जब बारिश आती है ना तो बारिश आने की वजह से जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ जाती है। वैसे भी फतेहबाद में जैसे गाँव कुनाल है, बन्नावाली है, बिरडाना है, हाकड़ा, हड़प्पा संस्कृति के यहाँ पे जो है ना अवशेष ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। ऐसी साइट जो है ना वो भट्टू बुआन के अंदर है। और मुगलिया काल के अंदर सीधी और लंबी चौड़ी तलवारों का यूज़ किया करते थे, लेकिन तलवार का ये जो टुकड़ा मिला ये करीब 2 इंच का ही है। तलवार के अलावा जो है ना, मतलब तलवार थोड़ी ज़्यादा सी चौड़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लंबाई कम हुआ करती थी, थोड़ा थोड़ा ऐसा देखने को मिला है यहाँ अवशेषों के अनुसार। गोवा के मुख्यमंत्री गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए सरदार करनेल सिंह बैनीवाल की वीरता का सम्मान करने के लिए हरियाणा के किस जिले के बड़ौदा गांव पहुंचकर इनकी पत्नी चरणजीत कौर से भेंट की है और उन्हें शॉल व स्मृति चिन्ह देके 10 लाख रुपए का चेक देके सम्मानित किया है। ये जिला है अम्बाला, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। तो गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए थे, ठीक है, और सरदार करनेल सिंह बैनीवाल इनकी वीरता का सम्मान देने के लिए हरियाणा के अंदर खुद चल के आए हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत, और इनकी पत्नी चरणजीत कौर को जो है ना एक शॉल स्मृति चिन्ह और 10 लाख रुपए का चेक दिया है। ये याद रखना, ये है गोवा के CM, नाम जरूर याद रखना, प्रमोद कुमार सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री के अलावा गोवा के राज्यपाल जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना, राजधानी तो पणजी है ही, जानते ही हो आप लोग, ठीक है। और इतनी ही आज के जो सेशन है, इतने ही क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इन बनाना मेक्स देम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। तो बनाना के अंदर कौन से मिनरल होते हैं इसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव बनता है थोड़ा सा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।